हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हितेश कुमार एच के। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपको शिल्पग्राम थणौद, जो अपने मूर्तिकला के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। अभी हैं हम लोग मेघूराम चक्रधारी जी के पास, जहां पर दुर्गा जी का मूर्ति बनाया जा रहा है। तो इस नवरात्रि के अवसर पर किस तरह का दुर्गा मूर्ति यहाँ पर बनाया जा रहा है, पहले इस वीडियो में दिखलाते हैं। और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ मूर्तिकार मेघूराम चक्रधारी जी के पास, जो कि इस तरह का पंडाल है। गणेश पक्ष के समय भी हम लोग यहाँ का वीडियो बनाए थे, जहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर गणेश जी का मूर्ति देखने को मिला था। और इस बार भी आपको दुर्गा जी के मूर्ति मैं दिखलाने वाला हूँ। ये मेघूराम चक्रधारी जी का दुर्गा पंडाल है और यहाँ पर इनका ये मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और चलिए आपको इस पंडाल में लेकर चलते हैं और किस तरह का दुर्गा मूर्ति बनाया गया है उसको दिखलाते हैं। और ये है मेघूराम चक्रधारी जी है, जो दुर्गा जी के मूर्ति अभी बना रहे हैं। एक छोटा सा मूर्ति है जिसमें इसको रूप दे रहे हैं, अपने कला को इसमें दिखला रहे हैं। बहुत प्यारा सा मूर्ति है दोस्तों, जिसमें काम चल रहे हैं। और चलिए अंदर लेकर चलते हैं, जो वहाँ पर कलर वगैरह हो चुका है, पूरी तरह से तैयार है, उस मूर्ति को आपको मैं दिखलाता हूँ। तो जैसे ही आप इस पंडाल में नज़र डालते हो तो आपको इस तरह के मूर्ति देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का राक्षस से बनाया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत कलर इसको दिया गया है। वो जस्ट गेट से लगे हुआ भी कुछ मूर्ति है यहाँ पर सरस्वती जी का, और ये काफ़ी विशाल दुर्गा जी का मूर्ति है जो जस्ट इसके एंट्री गेट से लगा हुआ है। और काफ़ी प्यारा कलर लग रहा है दोस्तों, और इसमें काम अभी जारी है। जब यह मूर्ति पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसका खूबसूरती है वो देखते बनेगा। यहाँ पर दो सी है और यहाँ पर माँ सरस्वती जी का भी काफ़ी प्यारा सा मूर्ति है, इसका भी हाइट आप देख सकते हो कितना बड़ा है। तो जस्ट गेट से लगा हुआ इस तरह का मूर्ति आपको देखने को मिलता है। फिर आगे चलिए आपको लेकर चल वो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप नज़र डालते हुए चलिए, एक से बढ़ के एक आपको दुर्गा जी का मूर्ति देखने को मिलेगा। कितना प्यारा इसको कलर दिया गया है और इसमें जो सजावट किया गया है बहुत ही खूबसूरत, यार एकदम परफेक्ट इसमें कलर और जो सजावट इसमें किया गया है वो अद्भुत है। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत देवी का मूर्ति है, जो इस तरह के मुद्रा में खड़े हुए हैं। और जस्ट इसके पीछे आप नज़र डालोगे तो भाई कलर एक से बढ़ के एक है यार, आप कलर देखते ही बनता है। और आप इसमें जो कलर वगैरह किया गया है, जो साड़ी है वो देख सकते हो, जो मिट्टी और बोरे से तैयार किया गया है। लेकिन देखने में आप कहीं भी शक नहीं कर सकते कि किस तरह का मतलब ये बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये भी है उसी तरह का मूर्ति है दोस्तों, नरसिंह जी है जो माता दुर्गा को उठाए हुए हैं, और उसी तरह का सिंह को बनाया गया है नरसिंह के रूप में। और क्या खूबसूरत मूर्ति यार, आप देखते हुए चलिए, एक से बढ़ के एक आपको मूर्ति देखने को मिलेगा। और मेरा अभी आने का कारण ये है दोस्तों, अभी दो ही दिन बचा है नवरात्रि में, तो मेरा मकसद ये रहता है कि मूर्ति को आधा अधूरा दिखलाने से अच्छा है कि मूर्ति जब कंप्लीट हो जाए तो उसे दिखलाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के देवी देवता हैं। और आधा अधूरा इस तरह की मूर्ति को दिखलाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। तो जो लोग वीडियो भी बनाते हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का बात आता है, लोग अपने आक्रोश दिखलाते हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी देवी देवताओं का किस तरह का छवि लोगों के सामने रखते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जब भी आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो ये ख्याल रखना शुरू कर दीजिए अब से कि हमारे जो देवी देवता है वो उनके मूल रूप में होना चाहिए, तभी आप उसको लोगों तक पहुँचाएँ। और आधा अधूरा आप उसको लोगों को दिखलाते हो तो कहीं ना कहीं उसके मर्यादा का हनन है। आप देख सकते हो दोस्तों, इस समय आने का मेरा जो मकसद है वो बस यही है, नहीं तो मैं भी पहले से वीडियो बना लेता जब मिट्टी का पूरा दुर्गा होता है उस समय। लेकिन बट ऐसा नहीं है, आपको इस तरह का जब मूर्ति तैयार होता है उसी टाइम ही आपको लोगों को दिखलाना चाहिए, ताकि जो देवी दुर्गा का मूल छवि है वो लोगों के सामने आ सके। और बहुत सारा जो मूर्ति है दोस्तों इस तरह के कपड़े से ढक दिया गया है। और अभी आप आते हो तो आपको जो दुर्गा रानी का फेस है उसको आपको देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत ये माता रानी की मूर्ति है, लेकिन चुनरी से ढका हुआ है दोस्तों।
इसी वजह से इसका फेस है वो क्लियर आपको नहीं समझ में आ पाएगा। छोटा सा मूर्ति है दोस्तों देवी दुर्गा का, तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से मूर्ति बनाया जाता है। आप जिस तरह के ऑर्डर यहाँ पर दोगे उस तरह की मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिर माता दुर्गा का यहाँ पर भी मतलब एक ही तरह के आपको मूर्ति देखने को मिलेगा, मिलते जुलते आप मूर्ति यहाँ पर देख सकते हो। और किस तरह से एक सफ़ेद सी हमें विराजमान है देवी दुर्गा, इसे भी आप देख सकते हो। फेस भी बहुत ही प्यारा है, शेर को भी देख सकते हो। और मूर्तियों में जो चमक है दोस्तों बहुत ही प्यारा है। और आप लाइन से देख सकते हो पूरा जो तैयार दुर्गा जी का मूर्ति यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर आने से आपको ये देखने को मिलेगा अधिकतर मूर्ति पहले से तैयार मिलता है दोस्तों। और बहुत सारे मूर्तिकार के पास हम लोग जाते हैं तो लास्ट लास्ट समय में ही वो लोग कलर वगैरह करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूर्तिकार है जो बहुत पहले से अपना मूर्ति तैयार करके रखते हैं। लगभग लगभग एक ही तरह का आपको मूर्ति देखने को मिलेगा, बस दोस्तों अलग अलग मुद्राओं में आपको ये मूर्ति देखने को मिलते हैं। और साथ ही आपको सरस्वती जी के भी मूर्ति देखने को मिल जाते हैं जो कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। और यहाँ पर भी लगभग आप कपड़ों की भी बात करें तो उसी तरह का आपको कुछ साड़ी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप ये देख सकते हो कि जो मूर्ति है वो अलग अलग मुद्राओं में इसको देवी को विराजमान किया गया है। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है दोस्तों। और फेस कट की बात किया जाए तो कुछ एक ही तरह का आपको इसका फेस है वो देखने को, यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो देवी का मूर्ति है सिंह पे विराजमान है और एक लाल चुनरी से फेस को ढका गया है। और यहाँ पर भी माता दुर्गा को देख सकते हो जो राक्षस है उसका वध करते हुए हैं माता दुर्गा, तो ये आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत एक महिषासुर मर्दनी का यहाँ पर आपको मूर्ति देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो दोस्तों छोटा छोटा मूर्ति भी है जो बहुत सारे लोग घर पे स्थापना वगैरह करवाते हैं तो इस तरह का उनके लिए भी मूर्ति है। मतलब आप आते हो तो जिस तरह का आप मूर्ति चाहोगे उस तरह का मूर्ति देखने को मिल जाता है। एक छोटा सा मूर्ति है माता दुर्गा का, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा है। और जो जिस तरह का आप मूर्ति बड़े बड़े मूर्ति देखते हो उसी डिज़ाइन में आपको छोटे मूर्ति भी देखने को मिल जाते हैं। वीडियो में बस इतना ही, हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।